हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज शिवरी फ्रॉम ई गैजेट्स फॉर यू। और इस वीडियो में मेरे पास है द Xiaomi Redmi 4 और द Xiaomi Redmi 4A। दोनों ही हैंड से दोस्तों एकदम नया लॉन्च किया हुआ प्रोडक्ट है Xiaomi से। Xiaomi Redmi 4 तो 23 तारीख की मई में लॉन्च हुआ था फ्लैगशिप सेल में, वैसे 23 मार्च को Redmi 4A भी लॉन्च हुआ था फ्लैगशिप सेल में। तो ये वीडियो में मैं डिफरेंसेस और कंपेरिजन बनाऊंगा ये दोनों हैंडसेट को लेकर, और देख लूंगा 6000 का हैंडसेट या 7000 का हैंडसेट कौन वर्थी टू बाय है। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों टुवर्ड्स राइट एंड ऑफ द स्क्रीन Redmi 4 है यहाँ पे, और टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन Redmi 4A है। पहले तो दोस्तों हम लोग एक फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर बात करें फिजिकल रिजेंबलेंस की तो दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। जैसे कि आप देख पाओगे ऊपर में Redmi 4 और Redmi 4A में 3.5mm जैक इनपुट पॉइंट, IR ब्लास्टर, नॉइस कैंसिलेशन, माइक्रोफोन, सारा कुछ एक ही है। टुवर्ड्स राइट हैंड ऑफ द स्क्रीन वॉल्यूम रॉकर्स, फोन ऑन एंड ऑफ या फिर स्क्रीन लॉक बटन मिल जाता है आपको। टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन आपको सिम ट्रे मिल जाएगा। दोनों का सिम ट्रे एक ही जैसा है, दोनों में ही हाइब्रिड स्लॉट है, तो या तो आप सेकेंडरी सिम लगवा सकते हो या फिर माइक्रो एसडी कार्ड। टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द स्क्रीन आपको यूएसबी चार्जर कनेक्टर पॉइंट दिख जाएगा, और उसके साथ साथ स्पीकर ग्रिल्स भी है दाहिने तरफ Redmi 4 के लिए, और बाई तरफ माइक्रोफोन है। Redmi 4A के लिए यूएसबी कनेक्टर पॉइंट के दाहिने साइड में माइक्रोफोन मिल जाएगा, और इसका स्पीकर ग्रिल्स पीछे होता है Redmi 4A के लिए। अगर बात करें पीछे की तो Redmi 4 में फिंगरप्रिंट स्कैनर, 13 मेगापिक्सल शूटर, एलईडी फ्लैश मिल जाएगा, और 4A में सिर्फ 13 मेगापिक्सल शूटर और एलईडी फ्लैश मिलता है। दोनों में ही मी ब्रांडिंग आता है पीछे। बात करें सामने की तो Redmi 4 में आपको 5 मेगापिक्सल शूटर, ईयरपीस, सेंसर्स, 5 इंच ऑफ स्क्रीन, होम बटन, बैक बटन, मल्टीटास्किंग बटन मिलता है, एकदम सेम टू सेम वैसे ही मिलता है आपको Redmi 4 के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखने लायक है, दोनों में ही एलईडी नोटिफिकेशंस है, और दोनों का ही एलईडी नोटिफिकेशंस आता है होम बटन में। Redmi 4 की खासियत है ये फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि बहुत ही रेस्पॉन्सिव है दोस्तों। ईच एंड एवरी टाइम जब हम यूज करते थे ये फिंगरप्रिंट स्कैनर को, बहुत इफेक्टिवली और स्पीडली ये खुल जाता है। अब फिंगरप्रिंट स्कैनर को छोड़ के अगर बात करें दोनों के इंटरफेस के बारे में तो लगभग एक ही जैसा है दोनों, लगभग नहीं दोस्तों बिल्कुल एक ही जैसा है, क्योंकि Redmi 4 Redmi 4A दोनों ही MIUI 8.2 के ऊपर रन होता है। अगर दोनों में ही हम लोग ऐसे स्वाइप डाउन करके क्विक टॉगल मेन्यू जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर रहता है, और सेटिंग्स में जाते हैं, उसके बाद नेविगेट करते हैं अबाउट फोन में दोनों ही हैंडसेट में, और फिर जाके आप देख पाओगे या दोनों की हैंडसेट में ही ये एंड्रॉयड वर्जन 6 मतलब एंड्रॉयड मार्शमेलो के ऊपर रन करता है। अभी तक एंड्रॉयड नॉगट की अपडेट कोई भी फोन में नहीं आया है, होप सो जल्दी ही आ जाएगा। बात जब आती है स्टोरेज की तो Redmi 4A में आपको सिर्फ 16GB ऑफ इंटरनल मेमोरी रहता है, जो कि आज के डेट में बहुत ही कम है, और Redmi 4 में आपको 32GB का इंटरनल मेमोरी लगता है, और दोनों में ही USB OTG का सपोर्ट है, और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट का भी सपोर्ट है, लेकिन वो हाइब्रिड स्लॉट है। तो स्पेस के मामले में ऑब्वियसली एज थोड़ा ज्यादा तो Redmi 4 में है ही है। और इसको छोड़ के सेटिंग्स में जितना सारा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन Redmi 4A में अवेलेबल है, उतना ही सारा कस्टमाइजेशन ऑप्शन सेम टू सेम Redmi 4 में भी अवेलेबल है। अगर यहाँ पे बात करें डिस्प्ले की तो दोनों में ही 5 इंच का स्क्रीन साइज आता है, दोनों में IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन भी होता है, दोनों में आपको 296 PPI पिक्सल डेंसिटी मिल जाएगा, दोनों ही हैंडसेट आपको HD डिस्प्ले सपोर्ट देता है, इसका मतलब आपको 1280x720 पिक्सल रेजोल्यूशन सपोर्ट भी मिल जाएगा। Redmi 4 में खास करके 2.5D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन रहता है, जो कि मिसिंग है Redmi 4A में। अब दोस्तों यहाँ पे बात यह भी है कि व्यूइंग एंगल्स दोनों का ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा एज ऑब्वियसली Redmi 4 में है। टच सेंसेशंस भी ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा स्मूथ Redmi 4 में होता है कंपेयर टू Redmi 4A। Redmi 4A का टच अच्छा है, लेकिन ज्यादा स्मूथ Redmi 4 ऑब्वियसली होता है। अब स्पेसिफिकेशंस की बात जब आता है तो Xiaomi Redmi 4 में आपको Qualcomm Snapdragon 425 का चिपसेट मिल जाता है। इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर होता है जिसका क्लॉक स्पीड 1.4 GHz है। इसमें आपको Adreno 306 GPU मिलता है, 2GB RAM होता है, 16GB इंटरनल मेमोरी होता है, और ऑब्वियसली एंड्रॉइड मार्शमेलो के ऊपर रन करता है। लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस की बात जब आता है तो Xiaomi Redmi 4A ऑब्वियसली एक लो-रेंज हैंडसेट है। उस हिसाब से अगर हम लोग इसको डिसाइड करें तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है, लैगिंग उतना होता नहीं है, लेकिन हाँ हाई एंड गेम्स आप यहाँ पे खेल नहीं पाओगे, क्योंकि उसका स्पेसिफिकेशन सपोर्ट नहीं करता, और उसका इंटरनल मेमोरी भी सपोर्ट नहीं करता हाई एंड गेम्स खेलने के लिए। वहीं पर परफॉर्मेंस की बारी जब आता है Xiaomi Redmi 4 में तो स्पेक्स में ये Qualcomm Snapdragon
435 चिपसेट है, इसमें ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जिसका क्लॉक स्पीड 1.4 गीगाहर्ट्ज़ है, 2GB 3GB 4GB रैम वेरिएंट में मिलता है, 16GB और 32GB का इंटरनल मेमोरी वेरिएंट भी होता है इसमें। हाँ, एंड्रॉइड मार्शमेलो के ऊपर रन करता है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है रेडमी 4 में, खास करके जब मैं एस्पेक्ट खेला था हाईएस्ट रेजोल्यूशन सपोर्ट को देकर, मैक्सिमम सब कुछ देकर एक बार भी लैग नहीं हुआ। रेडमी 4 का परफॉर्मेंस लाजवाब है, लो रेंज डिवाइस में यह खतरनाक हैंडसेट लॉन्च हुआ है रेडमी से। रेडमी 4 हर एक मामले में इक्वल टक्कर देता है कोई भी मिड रेंज हैंडसेट के साथ। दोस्तों, अब बारी आता है कैमरा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। Xiaomi Redmi 4 और 4A में दोनों में ही 13 मेगापिक्सल शूटर होता है, पीछे फोकल एपर्चर f/2.2 होता है, सामने 5 मेगापिक्सल शूटर आपको मिल जाएगा और फोकल एपर्चर f/2.2 ही होता है। लेकिन दोस्तों, खासकर जब बात आता है कैमरा क्वालिटी की, तो Redmi 4 एक आउटस्टैंडिंग कैमरा है ये सेगमेंट में। जैसे कि आप पिक्चर आउटपुट में भी देख सकते हो कि ये जो पिक्चर आउटपुट देता है वो बहुत ही अच्छा है। ड्यूरिंग डेलाइट अच्छा खासा लाइटिंग कंडीशंस में जब मैंने पिक्चर ऐसे लिया था तो बहुत ही क्रिस्प और क्लियर आया था रेडमी 4 में। हाँ, रेडमी 4A का कैमरा ठीक है, अगर मैं ये माइंड में रखूं कि इसका प्राइस सिर्फ 6000 रुपीस है, और उसको छोड़कर अगर सचमुच कैमरा कंपैरिजन या फिर फोटो क्वालिटी कंपैरिजन करना है तो रेडमी 4 हर एक डिपार्टमेंट में आउटस्टैंडिंग विनर है। हाँ दोस्तों, अगर लो लाइट कंडीशंस की बात है तब भी जाके आप थोड़ा बहुत नॉइज दोनों में ही दिखोगे, लेकिन परफॉर्मेंस क्वालिटी रेडमी 4 में ज्यादा अच्छा है। हाँ, थोड़ा तो सफर करता ही है ये लो लाइट कंडीशंस में, लेकिन फिर भी ये क्वालिटी उतना खराब भी नहीं देता है। फ्रंट कैमरा भी बहुत अच्छा है, फ्रंट कैमरा में रेडमी 4 आप देख पाओगे इसका जो फोटो क्वालिटी है बहुत अच्छा आता है। ये हैरान की बात है कि लो लाइट कंडीशंस में भी ये खराब या बेकार पिक्चर नहीं देता है, बहुत अच्छा खासा आउटपुट ही देता है रेडमी 4। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत माइंड ब्लोइंग कैमरा है, लेकिन बात यहां पर है दोस्तों कि प्राइसिंग के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से कैमरा लाजवाब है रेडमी 4 में। दोस्तों, आखिर में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बैटरी। दोनों में ही बैटरी ठीक ठाक ही है, लेकिन दोस्तों स्पेसिफिकेशन वाइज रेडमी 4 जो कि राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन में है, इसमें अप टू 4100 mAh बैटरी मिल जाता है, वेयर एज रेडमी 4A में 3100 mAh बैटरी होता है। मीडियम टू हाई यूसेजेस में रेडमी 4 दो दिन तक चल जाता है, तो वहां पे थोड़ा सफर कर जाता है रेडमी 4A। बैटरी विथल कैपेसिटी रेडमी 4A का उतना अच्छा नहीं है, एक दिन ठीक ठाक चल ही जाता है, लेकिन दोनों में फास्ट चार्जिंग भी नहीं है, दोनों ही चार्जिंग करने की टाइम 3 घंटे के करीब लग जाता है 5% से 100% होने में। तो दोस्तों, आखिर में क्वेश्चन यह आता है कि Xiaomi Redmi 4 खरीदना है या Xiaomi Redmi 4A खरीदना है। पहले तो दोस्तों हम लोग एकदम सॉर्टेड आउट हो जाते हैं, दोनों ही हैंडसेट 6000 और 7000, मान लीजिए अगर 3GB रैम वेरिएंट लेते हो आप Redmi 4 का तो 9000 पकड़ के चलते हैं, तो 6000 और 9000 का हैंडसेट है। पहले तो लो रेंज डिवाइसेस में इससे अच्छा डिवाइस आपको मिलेगा भी नहीं, वो Xiaomi Redmi 4A हो या फिर Xiaomi Redmi 4 हो। पहले हम लोग प्रोज और कॉन्स बोल लेते हैं Xiaomi Redmi 4 का। इसमें क्वालकम स्नैपड्रैगन 435 चिपसेट है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 4100 mAh का बैटरी भी मिल जाता है। दोस्तों, Xiaomi Redmi 4A में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं रहता है, 3100 mAh रहता है, क्वालकम स्नैपड्रैगन का चिपसेट मिल जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ज्यादा डिफरेंस मिलता नहीं है फिंगरप्रिंट स्कैनर को छोड़कर, लेकिन जो सबसे यूएसपी है, यूनिक पॉइंट जो आता है, वो है Xiaomi Redmi 4 का कैमरा। और कैमरा के मामले में Redmi 4 बहुत ही एनहांस्ड और इंप्रूव्ड कैमरा है, सेल्फी तो लाजवाब आता है Xiaomi Redmi 4 में। तो अगर आपके पास Redmi 4A नहीं है, अगर आप कोई भी लो रेंज हैंडसेट लेना चाहते हो, तो Redmi 4 मेरा वोट होगा, मेरा ओपिनियन भी Redmi 4 होगा। हाँ, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि लो रेंज मतलब लो रेंज, Redmi 4 धमाकेदार परफॉर्मेंस देता है, मिड रेंज सेक्शन की बहुत सारे हैंडसेट्स को भी टक्कर दे देता है Redmi 4। तो Redmi 4 डेफिनेट विनर है दोस्तों। तो होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहा आप सभी के लिए, जितना हो सके इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ, क्योंकि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सभी के साथ बढ़ना चाहिए। और अगर आप ऐसे ही ट्रेंडिंग टेक न्यूज डेली पाना चाहते हो तो मेरे चैनल में आके सब्सक्राइब बटन के बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑन करना मत भूलना। अगर आपका कोई भी क्वेरी या कमेंट हो, या आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, या फिर आप ट्विटर, फेसबुक या गूगल प्लस में भी पोस्ट कर सकते हो, आपको सिर्फ यूज करना पड़ेगा #egadgetsforyou। सो दैट विल बी इट गाइज, बाय फॉर नाउ।